हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप अपने फोटो को स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को स्किप ना करें। हम आप सबको बहुत ही डिटेल में बताएंगे अगर आप कुछ इस तरह के वीडियो बनाना चाहते हैं तो फटाफट से हम करते हैं वीडियो को शुरू। हम इस वीडियो बनाने से पहले बताएंगे आपको, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे नया वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। ठीक है, हम आपको बताने वाले थे कि अपने फ़ोटो से स्टेटस कैसे बनाएं। ठीक है, और हम जिस एप्लीकेशन से इस्तेमाल करके अपने स्टेटस बनाएंगे, एप्लीकेशन का नाम है एलाइट मोशन। एलाइट मोशन ऐप हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक में रहेगा, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, वहां पे डाल दूंगा। उसके बाद आपको नीचे दिखेगा प्लस वाला आइकन को आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रेशियो दिखेगा, रेशियो आपको 9:16 पर रखना है। ठीक है, आपको बैकग्राउंड को ब्लैक ही रखना है। ठीक है, उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे चलना है। यहाँ से कर लिया मैंने क्रिएट प्रोजेक्ट, और आपको राइट में दिखेगा एक प्लस वाला आइकन को आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे दिखेगा एक मीडिया पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इधर एक ऑल दिखेगा, ऑल पे अगर आप क्लिक करेंगे आपका यहाँ से सारा गैलरी का फ़ोटो ओपन हो जाएगा। तो मैंने ऑल पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ जिस फ़ोटो को स्टेटस बनाना है उस वाले फ़ोटो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने फटाफट से अपने इस वाले फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको एक ऊपर प्लस वाला आइकन दिखेगा, उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका इधर दिखेगा फोटो को आपको एक साइड टू साइड रख लेना है 9:16 के रेशियो में। ठीक है, फुल स्क्रीन कर लेना है। स्क्रीन करने के बाद आपको इधर फिर राइट में दोबारा दिखेगा प्लस वाला आइकन को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इधर दिखेगा स्टिकर दिख रहा है, जो दूसरे नंबर पर स्टिकर है इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको स्टिकर का साइज एकदम पूरा फुल रख लेना है। ठीक है, हमने यहाँ से फुल कर लिया। फुल करने के बाद आपको इधर दिखेगा एक कलरफुल। ठीक है, कलरफुल पे करना है। ठीक है, उसके बाद आपको तीसरे नंबर वाला जो कलर है इसको आपको क्लिक करना है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको एक राउंड से एक तीर का ऑप्शन आ जाएगा सीधे सीध में। ठीक है, आपको इधर से कलरफुल और थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, इधर से मैंने इधर सेट किया। सेट करने के बाद आपको इधर एक राइट में दिखेगा एक लेफ्ट में दिखेगा, तो मैं राइट वाले को कलर में रखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से एक कलर को सिलेक्ट किया, और इधर एक लेफ्ट वाले में ब्लैक है, ब्लैक वाले को भी हम एक ही कलर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको लेफ्ट वाले को इधर क्लिक करने हैं। क्लिक करने के बाद एक पेंसिल वाला आइकन दिखेगा, एक ड्रॉ कॉपी वाला दिखेगा और एक कलरफुल वाला दिखेगा। ठीक है, आपको दूसरे नंबर वाला क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका इस ओपेसिटी आपको ऊपर वाले को कम कर देना है, जिससे आप ओपेसिटी आप ऊपर वाले को कम करेंगे आपका फ़ोटो क्लियर में दिखने लगेगा और नीचे कुछ कलरफुल कलर ग्रेडिंग हो जाएगा। तो आपको इधर इसका साइज ऊपर उठा देना है। हमने यहाँ से अपना साइज को ऊपर उठा दिया और इसको वाले को यहीं पर रख दिया। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर टच करना है। टच करने के बाद आपको दोबारा फिर से प्लस वाला आइकन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको दोबारा प्लस वाले आइकन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको टैक्स पे दिखेगा, टैक्स पे दिखने पर इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो शायरी वगैरह लिखना है आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, मैंने कॉपी करके रखा हुआ है और अपने शायरी को फटाफट से कॉपी करके पेस्ट कर लिया। ठीक है, आपको ऊपर दिखेगा एक पे इसको आपको फॉन्ट दिखेगा। ठीक है, आपको यहाँ से कुछ फॉन्ट को रख लेना है, और इसका जो ATPTO बगल में राइट में है PT है, इसको आपको एक साइज को रखना है। ठीक है, बराबर से जो छोटा हो जाए। ठीक है, हम यहाँ से इसको छोटा कर ले रहे हैं। छोटा करने के बाद आपको इधर एक अच्छे से जगह पर रख लेना है। ठीक है, रख लेते हैं। रखने के बाद आपको इधर एक कलर दिखेगा। ठीक है, कलर वाले बॉक्स को आप क्लिक करेंगे, आपको इधर जिस कलर में रखना है, मैं तो ब्लैक में ही रखूँगा, ब्लैक में मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, ब्लैक में रख लिया। उसके बाद आपको इधर एक सही वाला आइकन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सही वाले पे क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, ये सही हो गया, यहाँ से मैंने सही करके इसको रख लिया। ठीक है, अगर आपको इंस्टाग्राम की एक ऊपर हेडिंग डालना है, ठीक है, रखनी है, उसको भी आप लगा सकते हो। मैं यहाँ पर फटाफट से आपको करके दिखा दे रहा हूँ। अब इसमें हम आइडो का साउंड डालेंगे। ठीक है, आपको प्लस वाले आइकन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मीडिया पे दोबारा चलना है। ठीक है, आपको दोबारा ऑल पे चलना है। ऑल पे जाने के बाद आपको जिस वीडियो, अगर आपको कोई वीडियो पसंद है उसका आपको साउंड डालना है।
ठीक है, उसको बताएंगे आपको कैसे साउंड को क्रॉप कर लेते हैं, मतलब नीचे से निकाल लेते हैं। ठीक है, आपको उस वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो ऊपर दिखा प्लस वाला आइकन, प्लस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वीडियो पर टच करना है। वीडियो पर जब आप टच करेंगे आपको राइट में दिखेगा ऊपर थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट ऑडियो होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक कर देंगे आपका ऑडियो या नीचे देखिए सेव हो गया। ठीक है, अलग से निकल गई। आपको दोबारा इस वाले वीडियो को टच करना है। टच करने के बाद आपको इधर से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ से देख सकते हो कि ये दोबारा हो गया है। वीडियो चला के देखिए साउंड हो गया है। ठीक है, हो गया। उसके बाद आपको इधर से ये सब लाइन बराबर हो गया। आपको ऊपर रख के ऊपर वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। फटाफट से मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। ठीक है, इन शॉर्ट्स एप्लीकेशन के अंदर चले गए हैं। ठीक है, आपको इधर फिल्टर दिखेगा, फिल्टर पे आपको क्लिक करना है। लेफ्ट में आपको इफेक्ट दिखेगा, इफेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इसमें से जो भी इफेक्ट लगाना हो आपको लगा सकते हो। ठीक है, आपको इधर इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, हम सारे इफेक्ट को लगा लेते हैं, इसका ओपेसिटी कम कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो आप प्ले करके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से मेरा वीडियो हो गया। इसको हम सही वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से इसका फ़ोटो जहाँ तक वीडियो है अपना, इसका इफेक्ट वहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया। करने के बाद आपको सही वाला आइकन दिखेगा, सही वाले आइकन को आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऊपर दिखेगा आपको सेव। ठीक है, सेव आपको सेव करके सेव कर लेना है। ठीक है, तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो छोटा सा लाइक वाले बटन को दबा दें, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।